Hi, hello, namaskar. For all those who want to listen it in English, it will be available in the later part of this video. दोस्तों, इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ ऐसे बातें बताऊंगा जो शायद आपके मन में चल रहा होगा और लास्ट मिनट तक आप ये बिल्कुल सोचते भी रहे होंगे। सबको पता है कि IBPS ने अभी दरवाज़ा खोल दिया है रीओपन करने का, लेकिन वहाँ पे नीचे उन्होंने साफ तौर पे टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा हुआ है कि जिन्होंने ऑलरेडी अप्लाई कर रखा था उनके लिए कोई दरवाज़ा खुला नहीं है। फ्रेश न्यू एप्लीकेशन उन्हीं लोगों के लिए जिन्होंने कभी भी IBPS साल 2020 का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं भरा है। मुझे काफ़ी लोग इंस्टाग्राम में मैसेज कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मैं नाम तो बिल्कुल लूँगा भी नहीं बिकॉज इतने सारे कैंडिडेट्स हैं, एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या सर हम दोबारा अप्लाई कर दें। कई लोग तो ऐसे ऐसे आइडिया दे रहे हैं जो शायद किसी के सोच में भी नहीं होगा, मतलब बोलना चाहते हैं कि नया रजिस्ट्रेशन नंबर होगा, नया पासवर्ड होगा, नया सब कुछ होगा, तो सर इसमें दिक्कत क्या है। लेकिन शायद वो ये भूल जा रहे हैं कि आपका आधार कार्ड नंबर कैसे करोगे। पहले वाले एप्लीकेशन फॉर्म में तो आपका आधार कार्ड जो है दूसरे वाले एप्लीकेशन में तो चेंज नहीं होगा ना, क्योंकि तुम भी तो चाहोगे कि तुम्हारा सिलेक्शन हो जाए। आप इस बात को समझिए, आपका फोटो चेंज नहीं होगा, आपके थंब इम्प्रेशन चेंज नहीं होगा, आपकी सिग्नेचर चेंज नहीं होगा, आपकी रेसिडेंशियल प्रूफ चेंज नहीं होगा, आपके मार्कशीट चेंज नहीं होंगे। नीचे जो डिक्लेरेशन लिखी जाती है, आप ये लिखते हैं ना कि आई हियर बाय डिक्लेयर कि ऑल द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय मी एज पर माय नॉलेज इज ट्रू एंड वैलिड। अगर आप दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म फिल करते हैं, IBPS ने बोल रखा है कि मत फिल करिएगा अगर आपने ऑलरेडी फिल कर रखा था, तो पता नहीं एडमिट कार्ड आएगा कि नहीं आएगा, मुझे तो नहीं पता, लेकिन जब आप वहाँ पर डिक्लेरेशन लिख रहे हैं, मतलब आप ये लिख रहे हैं कि आपने आपके नॉलेज में सब कुछ हुई है। सो ये गलत बात हो जाएगी दोस्तों, ये इल्लीगल बात हो जाएगी और ये ऐसा बात होगा जो शायद मैं भी कभी हाँ नहीं बोलूँगा। तो मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि आप लोग अभी कुछ नहीं कर सकते हैं, बस IBPS पे छोड़ दीजिए। IBPS को लगता है कि अगर आपने एप्लीकेशन फिल किया था, पहुंच नहीं पाए, आप हो सकता है कि IBPS आपको बुलाए, आप एब्सेंट थे, आपको बुलाए, आपको चांस दे, तो आप गलत कदम कभी मत उठाइएगा। जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उसको फॉलो करने का बिल्कुल कोशिश करिएगा। और आगे पता चलता है कि आपने दोबारा एप्लीकेशन फॉर्म भर दिया है और कल किसी भी हालत में पता चल गया है मान लो, तो फिर कुछ भी हो सकता है, आपकी कैंडिडेचर कैंसिल होना तो ये छोटी बात है। सो आप समझने का कोशिश करिए दोस्तों। मैं बिल्कुल समझ पाता हूँ कि इस वक्त पे माहौल जो है वो काफ़ी गर्माया है, लोग काफ़ी निंदा कर रहे हैं जो IBPS ने कदम उठाया है कि सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए होगा दोबारा री एग्ज़ाम जिन्होंने अप्लाई ही नहीं किया था। खैर जो भी है, IBPS अपना कर रहा है, लेकिन आपको अपना गलत कदम नहीं उठाना है, यही मैं बताना चाहता हूँ इस वीडियो के जरिए। काफ़ी लोगों का मैसेज आ रहा था तो इसलिए मैंने बोला कि नहीं चलो भाई वीडियो बना के ही बता दे दो, क्योंकि हर कोई के मैं रिप्लाई नहीं कर सकता हूँ, आपकी मैसेजेस मैं पढ़ता हूँ लेकिन रिप्लाई नहीं कर पाता। खैर अगर आप भी मुझसे पूछना चाहते हैं इंस्टाग्राम में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम में कनेक्ट हो सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम ID है SFY_आशीष। टेलीग्राम पे भी हमको फॉलो करिएगा स्टूडेंट फॉर माइज यूट्यूब करके। मैं इसी बात को जो है इंग्लिश में थोड़ा समझा देता हूँ। गाइस, लॉट ऑफ माय सब्सक्राइबर्स, माय फॉलोअर्स, माय ब्रदर्स, माय सिस्टर्स, दे आर आस्किंग कंटिन्यूसली दैट सर व्हाट इज द प्रॉब्लम ऑफ फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म वंस अगेन। The problem lies not only in filling the application form. What are you going to do about the Aadhaar card details which you have submitted earlier in the application form?
What will happen to the signature? What will happen to the photograph? What will happen to the thumb impression? What will happen to the declaration that you made, that I do hereby declare that all the information submitted by me as per my knowledge are true and valid? So your details are not going to change. If IBPS has come out with such a decision of conducting the re-examination for only those candidates who did not apply the application form, let IBPS do. But you should not do any, or you should not take any steps which may go against you. Cancellation of the candidature is a very small thing. Anything can happen. So my sincere request to everyone whosoever is watching this video, never follow any path which is against the rules and regulation of an organization. You should be very loyal to the terms and conditions, the norms given to you. So I hope that IBPS will definitely come out with a better solution. So be attentive, be genuine, and be very careful while applying the application form. Lot of messages are coming to me via Instagram, WhatsApp, and many other channels. I couldn't reply to everyone. I thought of making this video, giving a single reply to all those 100 questions. Guys, never follow such path which might hamper your career. This is my personal opinion. That's all from Student for Maish. If you're not followed us on Instagram, do follow us. On Telegram, do follow us. And more than that, classes are going to come in the following days, in the upcoming days. I wish everyone getting selected through only mere hard work and nothing else. Milte next wale video pe, tab tak liye Jai Hind, Jai Bharat, Shab Akhir. Love you all. Apne sehat ka bilkul dhyan dijiyega. Namaskar. Jai Hind.